Good morning, student. I am engineer Manmohan Meena, currently working as a lecturer in mechanical engineering in Government Polytechnic College, Sikar. मेरा जो previous lecture था उसमें हमने बात की थी कि कैसे एक CNC machine comparatively conventional machine से different होती है आपके design के अंदर. उसमें हमने different different areas की बात की थी, जैसे machining structure में किस तरह आपका difference होता है, आपका slide wheel में कैसा difference है, driving unit में कैसे difference है. उसी के अंदर जो एक last एक टॉपिक था जो हम लोगों ने कल वो एरिया कवर नहीं किया था, उस एरिया को हम आज कवर करते हैं. वो एरिया था आपका सेफ्टी एंड गार्डिंग ऑफ सीएनसी. सेफ्टी एंड गार्डिंग ऑफ सीएनसी से इन द सेंस हम लोग बात करें कि सीएनसी मशीन की सेफ्टी के लिए और सीएनसी मशीन पे जो आपका ऑपरेटर काम कर रहा है, जो मॉनिटर कर रहा है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या हम लोगों को डिजाइन में चेंजेस करने पड़ते हैं या क्या हम लोगों को नेसेसरी चाहिए जिनकी सहायता से हम लोग सेफ्टी को इंश्योर कर सके और स्मूथ वर्किंग को अपने इंश्योर कर सके. तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सेफ्टी एंड गार्डनिंग ऑफ सीएनसी. सेफ्टी और गार्डनिंग ऑफ सीएनसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो एलिमेंट आएंगे मेनली आपके. एक जो एलिमेंट रहेगा आपका कि हम लोग बात करें कि ऑपरेटर जो काम कर रहा है उसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि इसकी सेफ्टी के लिए हमको डिजाइन में यही चेंजेस चाहिए, हमको ये इक्विपमेंट चाहिए. और दूसरा हम बात करेंगे कि आपका मशीनिंग जो एलिमेंट्स हैं या आपका वर्कपीस है उसकी सेफ्टी के लिए हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस कर रहे हैं या हम लोगों को क्या क्या डिजाइन के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, क्या क्या आपको एसेसरीज या इक्विपमेंट्स हम लोगों को चाहिए, सबऑर्डिनेट्स कंपोनेंट क्या क्या चाहिए उनकी बात करेंगे. तो पहले मैं बात करता हूँ आज के हमारे लेक्चर के अंदर कि हम लोगों को जो मशीनिंग एलिमेंट है, मशीनिंग एलिमेंट और वर्कपीस. मशीनिंग एलिमेंट की बात करें हम लोग जैसे लीड स्क्रू हो गया, ड्राइव यूनिट्स हो गया, ट्रांजिशन हो गया, इनकी सेफ्टी के लिए हम लोगों को सीएनसी के डिजाइन में क्या चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं. तो जब ड्राइविंग यूनिट्स की हम लोग बात करेंगे और जो मशीनिंग एलिमेंट की सेफ्टी की बात करेंगे तो बेसिकली हम लोगों के पास चार चीज़ें रहेंगी जिन पर हम लोगों को प्राइमरी फोकस करना है डिजाइनिंग के दौरान. इनमें जो सबसे पहली जो चीज़ रहेगी अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास एक आपका ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन सेंसर आता है. ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन सेंसर, इसके अलावा इसके अंदर हम लोग एक और प्रोविजन इंश्योर करते हैं क्लैंपिंग सेंसर का. इसके अलावा ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन सेंसर, क्लैंपिंग सेंसर के अलावा बर्किंग सेंसर का भी प्रोविजन देता है इसके अंदर. इसके अलावा कुछ अपनी डिवाइसेस के लिए भी सेंसर आते हैं. जो कि आपके डिवाइसेस की सेफ्टी के लिए आपका जरूरी है. अब वन बाय वन इसको एक एक करके स्टडी करते हैं. जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन सेंसर की. तो जो ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन सेंसर होता है नाम से पता लग रहा है कि ओवरलोड, अगर ओवरलोड की कोई कंडीशन है, हर एक मशीन एक पर्टिकुलर लोड के लिए डिजाइन होती है. जैसे लोड अपना प्रीडिफाइंड लिमिट से एक्सेड करेगा वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ होगा, सेंसर आपको इंडिकेशन देगा. किसको इंडिकेशन देगा? जो वहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है उस पर और जो उसको मॉनिटरिंग कर रहा है उस ऑपरेटर को इंडिकेशन देगा, या फिर वहाँ पे एक अलार्म होगा उसके अंदर. तो दोनों प्रोविजन होते हैं, आपका इंडिकेशन देता है और साथ में अलार्म के तौर पर बजर बजता है जिससे ऑपरेटर को पता लग जाता है कि ये ओवरलोडिंग कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपने प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं. इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम लोग जो हमारे सेकंड डिवाइस है क्लैंपिंग सेंसर. क्लैंपिंग सेंसर का काम क्या है कि जब हम लोग मशीनिंग स्टार्ट करें तो मशीनिंग स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या इंश्योर करेंगे कि आपका वर्क जो है वो प्रॉपरली क्लैंप हुआ है कि नहीं हुआ, प्रॉपरली फिक्स हुआ है कि नहीं. अगर वर्क प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा तो आपका क्या हो सकता है, वर्क अनबैलेंस होगा. अगर वर्क अनबैलेंस होगा इन प्रोसेस तो हो सकता है आपका वर्क पीस डैमेज हो या फिर आपका टूल डैमेज हो. तो हमें पूरा प्रॉपरली इंश्योर करना है कि आपका जो जॉब है वर्क पीस है वो आपका प्रॉपरली क्लैंप हुआ है कि नहीं हुआ. इसके लिए इसमें मशीन में सीएनसी मशीन में डिजाइन में प्रोविजन किया गया है क्लैंपिंग सेंसर का. क्लैंपिंग सेंसर अगर आपका जॉब या वर्क एलिमेंट आपका प्रॉपर आपका क्लैंपिंग नहीं हुआ है तो सेम आपका सेंसर आपका इंडिकेट करेगा, अलार्म से इंडिकेशन देगा, अलार्म बजेगा, वजन होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रॉपरली वर्क क्लैंप नहीं हुआ. आप तुरंत मशीन को स्टॉप करेंगे और आप वर्क को प्रॉपरली क्लैंप करके उसके बाद में मशीनिंग स्टार्ट करेंगे. जो थर्ड आपका वर्क हैंडलिंग सेंसर. वर्क हैंडलिंग सेंसर का मतलब क्या है कि इन प्रोसेस ड्यूरिंग मशीनिंग जब आपका जॉब और वर्क पीस के बीच रिलेटिव कॉन्टेक्ट होगा तो आपकी मशीनिंग होती है. तो मशीनिंग के दौरान आपका वर्क पीस से आपका मटेरियल रिमूव होता है. इस पूरी प्रोसेस के दौरान आइदर अगर हमारा वर्क टेबल है, वर्क टेबल अगर आपका मूव कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक पूरे एरिया के अंदर मूव करेगा.
तो इस ये सेंसर आपका क्या करेगा, जैसे ही वो एक पर्टिकुलर आउटर बाउंड्री हम लोगों ने फिक्स कर दी कि मेरी ये पेरिफेरी रीडिफाइंड पेरिफेरी होगी, इस पेरिफेरी के अंदर आपके वर्क टेबल को आइदर इस डायरेक्शन में, आइदर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, जो भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर जो भी आपकी डायरेक्शन है उसमें जब भी वो मूव करेगा, तो जैसे ही वो बाउंड्री लिमिट पे पहुंचेगा उससे पहले टेबल आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी धीरे, उसकी जो स्पीड है टेबल की वो आपकी धीरे हो जाएगी, इसकी वजह से आपकी इस वर्क हैंडलिंग सेंसर की वजह से। एंड द फोर्थ एंड लास्ट अगर हम बात करें इसके डिवाइस सेंसर, डिवाइस सेंसर में जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि आपके कई सारे मशीनिंग एलिमेंट है, आपके लीड स्क्रूज हो गए, ट्रांसमिशन्स हो गए, ड्राइव स्क्रूज हो गए, अगर उनके सेंसर की बात करते हैं, स्लाइड वेज हो गया, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए दो तरीके के आपके कुछ गार्ड्स हो गए, इन गार्ड्स की अगर हम बात करें, जैसे बात करें अगर आपके स्लाइडिंग यूनिट्स है तो उनके गार्ड्स उनके आपके वाइपर्स लगे हुए होते हैं, तो आपको क्या करते हैं वाइपर्स आपका अगर जैसे मशीनिंग के दौरान अगर कोई आपका स्वाफ इक्विंस आपका मशीनिंग का जो कटिंग पीस है जो अपनी कटिंग चिप्स है अगर वो आपके पूरे उनके स्लाइड बेस के एरियाज में आते हैं तो आपकी स्लाइड बेस को क्या कर सकते हैं डैमेज कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपके क्या होंगे जो जितने भी हमारे आपके स्लाइड बेस होंगे उनके आपके वाइपर्स लगेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रांजिशन की तो ट्रांजिशन के ऊपर इसके अंदर अपने टेलीस्कोपिक कवर लगे होंगे, तो टेलीस्कोपिक कवर क्या करेंगे उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने आज जो स्टडी किया बेसिकली कि जो सीएनसी मशीन के डिजाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हम लोगों ने जो चेंजेस लाने हैं वो क्या क्या चेंजेस लाने हैं आपके उन चीज़ों को ध्यान में रखें, और आपको ये एसेसरीज और इक्विपमेंट्स हमें चाहिएगी और ये सेंसर्स इन टाइप के चाहिए जो आपको क्या करेंगे सेफ करेंगे, किससे सेफ करेंगे, दो तरह की सेफ्टी मैंने ऑलरेडी बोला था कि दो तरह की सेफ्टी, आइदर हम जब टूल और वर्कपीस कॉन्टैक्ट में आ रहा है मशीनिंग हो रही है तो आपके वर्कपीस से मटेरियल रिमूव हो रहा है चिप के फॉर्म में, तो हो सकता है चिप आपका उड़कर या हिट कर सकता है आपको, ऑपरेटर को भी डैमेज कर सकता है, आपके किसी मशीनिंग एलिमेंट को भी डैमेज कर सकता है, उससे प्रिकॉशन होगा। दूसरा जब आपका वर्कपीस मूव करता है टेबल के ऊपर तो वो टेबल से आप जब वो मूव करता है तो उसका टेबल का आपका रैपिड मूवमेंट होता है, उस रैपिड मूवमेंट के दौरान हो सकता है अगर ऑपरेटर पास में खड़ा हो तो उसको वो हिट कर दे, तो इस चीज़ों से बचाने के लिए आपने जो पहले इन चार सिस्टम्स की बात करें या इक्विपमेंट्स की बात करें या किसी आपकी एसेसरीज होगी जो इंश्योर करेगी आपका प्रॉपरली मशीनिंग एलिमेंट्स की सेफ्टी को। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए क्या क्या स्पेसिफिक अलग से सेफ्टी प्रोविजन होने चाहिए सीएनसी मशीन में। थैंक यू।